Bismillah. Assalamu alaikum, khawateen and sir. ये एक सवाल है कि आज की गुफ्तगू का आगाज सवाल से इसलिए कर रहे हैं कि लास्ट संडे सवाल रह गए थे। मैंने ये अर्ज किया था कि नेक्स्ट संडे सर उस सवालों के जवाब दे। किसी साहब ने सवाल किया है सूरह रहमान की बरकात के बारे में। मुझे तो एतराज नहीं, मैं अर्ज कर देता हूं कि सूरह रहमान की क्या क्या बरकात है, लेकिन जो कुछ मेरा मजहब कहता है, जो मेरा अकीदा, जो मेरा मसलक कहता है, वो बरकात से थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरे मजहब के मुताबिक मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि ये मेरे रब का कलाम है, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बरकत नहीं है कि ये मेरे रब का कलाम है। मैं इसे क्यों पढ़ूं? उसका जवाब भी यही है कि मैं अपने रब के कलाम को पढ़ूं बगैर इस चीज की गर्ज रखे कि इसके पढ़ने से मुझे क्या मिलता है। हम अपने प्यारों की गुफ्तगू टेप करके वो जब दूर चले जाते हैं तो सुनकर अपना दिल बहलाते हैं, अपने दिल को सुकून पहुंचाते हैं। तो अगर रब हमारा महबूब है तो सारा कुरान उसका कलाम है, तो हम अपने महबूब के कलाम को पढ़कर अपने आप को राजी क्यों ना करें। इसी टीवी प्रोग्राम में मुझसे एक एंकर ने पूछा कि कुरान पाक में वाज़े तौर पर लिखा है, अहादीस भी हैं और बुजुर्ग फरमा भी गए हैं कि रमजान में शैतान जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, तो अगर शैतान जंजीरों से जकड़ दिया जाता है तो फिर माह रमजान में ये चोरी चकारी, ब्लैक मार्केटिंग, ज़खीरा-अंदोज़ी, प्रॉफिटियरिंग, इफ्तार के वक्त घर जाते हुए रास्ते में लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद कैसा? आजकल बड़ी खुशी होती है जब हम ये देखते हैं कि जितने भी पाकिस्तान के चैनल्स हैं उसमें बड़े लंबे चौड़े प्रोग्राम आते हैं सुबह सहरी के वक्त कम से कम 3.5 घंटे का, और इफ्तार के वक्त भी कुछ ऐसी दौरानिए के प्रोग्राम चलते हैं, और इतनी चाहत मोहब्बत और इतने जज्बे से माह रमजान के हमने नाम रखे हैं, ये जाहिर करता है कि हमें रमजान से कितना प्यार है कि कहीं रमजान करीम है वो, कहीं रमजान रहीम है, कहीं रहमत रमजान है, कहीं नूर रमजान है। लेकिन हमारे अंदर का शैतान जकड़ा नहीं जाता इस तमाम तर जज्बे और मोहब्बत के बावजूद। ये इसलिए है कि हम मजहबी काम भी नफे और नुकसान के हिसाब किताब के बगैर करने को तैयार नहीं। जो अल्लाह ने हम पे फर्ज कर दिया हम अपने फराइज भी अदा करने को तैयार नहीं है जब तक कि हमें ये ना पता चल जाए कि इसमें सवाब हमें कितना होगा। कलामे इलाही दर हकीकत तिलावत की चीज है कि इसे पढ़ा जाए, इसे समझा जाए और इस पर अमल किया जाए। अगर मैं अल्लाह के कलाम को इसलिए पढ़ूंगा कि ये सूरा पढ़ने से मुझे ये फायदे हो जाएंगे, तो चूंकि नियत ही मेरी ये है कि मुझे ये फायदे हो जाए, उस पर अमल नहीं होगा मुझसे। तो ये जो उस एंकर ने सवाल किया था उसका जवाब यही है कि जब रमजान के फवायद हासिल करने के लिए मैं रोजे रखूंगा तो मेरे अंदर का शैतान जकड़ा नहीं जाएगा, और अगर मैंने रोजे कहीं इस नियत से रख लिए कि रब ने हुक्म दिया है कि
तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज हैं। ये लफ्ज जाहिर करता है कि इससे फरार नहीं है। तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली कौम पर किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। लेकिन वो इस पर मेरी नजर नहीं रहेगी, न रही है कभी, कि मैं रोजे रख के अपना फर्ज अदा करने के साथ साथ ये देखता रहूं कि रोजे रखने से मैं मुत्तकी हुआ या नहीं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मैंने अपना फर्ज बहसन तरीक अदा कर दिया। क्योंकि अगर मैं रोजे को रोजा समझ के रख रहा हूं इसके ये मुझ पर फर्ज है, तो उसका एक लामोहला नतीजा वो निकलना चाहिए जो रब ताला ने कहा कि ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो मुझे मुत्तकी हो जाना चाहिए अगर रोजे को मैंने उस तरह से रखा जैसे मुझ पर फर्ज किया गया है और मैंने उसे फर्ज समझ के रोजे को रख लिया, उसके तमाम आदाब पूरे कर लिए, तो नतीजा यही निकलना चाहिए कि मैं मुत्तकी हो जाऊं। इसी तरह सूरह रहमान की तलावत अगर तो ये समझ के मैंने की कि साहब इसके पढ़ने से मेरा गुस्सा जाता रहे, अगर मैंने इस सूरह को इसलिए तलावत किया कि मुझ पर दुनियावी नेमतों की बारिश हो जाए, अगर मैंने इस सूरह को इसलिए पढ़ा कि ये इससे मुझे इज्जत हासिल हो जाए, क्योंकि इस सूरह के रेगुलर पढ़ने से यही असरात मुरतब होते हैं, अगर इस सूरह को मैंने इसलिए पढ़ा कि मैं जिसके सामने जाके खड़ा हो जाऊं वो मुझसे मुतासर हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि फिर मैंने कुरान पाक को कलाम इलाही समझ कर तो नहीं पढ़ा, मैंने उसको उसी तरह से किया जिस तरह मैं जॉब पर जाता हूं कि मैं जॉब पर जाऊं ताकि मुझे पैसे मिल जाए। तो सूरह रहमान की बरकात तो मैंने आपसे अर्ज कर दी कि इसके रेगुलर पढ़ने से। अब ये और बात है कि कौन शख्स किस वक्त पढ़े। यहां गुफ्तगू के दौरान कहीं इसी नुक्ते पर आकर मेरी जुबान से एक बात फिसल गई कि हर रूह का अपना एक मखसूस हरफ होता है जिसको अगर वो पढ़े तो इंसान रूहानियत की इंतहाई बुलंदियों पर चलता चला जाता। वो किताबी सूरत में भी वो गुफ्तगू आ गई। अब मैक्सिमम डाक मेरे नाम इसी बात पर होती है कि वो हर्फ बता दीजिए। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई शख्स ये बता दे कि ये कार का एक्सीलेटर है, इस पे पांव रखोगे तो तुम 200 किलोमीटर की रफ्तार पे कार चला लोगे, और मैं उससे जिद करूं कि मुझे बता दो एक्सीलेटर है कहां। कार नहीं चलेगी 200 किलोमीटर एन आर स्पीड पर जब तक के मुझे स्टेयरिंग पर कंट्रोल हासिल ना हो, जब तक के मुझे रोड सेंस ना आ जाए, मुझे रोड कर्टिसी ना पता चल जाए कि क्या है, जब तक के मेरी जजमेंट सही ना हो जाए, तो मैं उस एक्सीलेटर पर पांव रख के सिवाय एक्सीडेंट के और कुछ काम नहीं करूंगा। ये चीजें उसी वक्त काम आती हैं जब इंसान की बुनियादें तैयार हो चुकी हुई हों। बगैर बुनियादों के ये पढ़ाइयां इंसान को काम नहीं देती हैं। और एक बात याद रखिए कि जिस तरह हम घर बनाते हैं और घर बनाते वक्त हमारा मैक्सिमम पैसा और मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम मेहनत बुनियादों पे सर्फ होती है, वो ऐसा लगता है कि काम हो ही नहीं रहा। लेकिन जब एक बार हम प्लिंथ लेवल तक पहुंच जाएं तो उसके बाद ऊपर की बिल्डिंग बड़ी तेजी से खड़ी होने शुरू हो जाती है। तो इंसान की रूहानी कैफियत में भी बुनियादें तैयार करते हुए बहुत वक्त सर्फ होता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है उस पर। तो बगैर बुनियादें तैयार किए, बगैर फाउंडेशन फॉर्म किए हम अगर ऐसे हरूफ पढ़ेंगे तो सवाय नुकसान करने के और हमें कुछ नहीं हासिल होगा। फिर किसी ने एक और सवाल किया है कि मुर्शिद से मुलाकात के बाद कभी तो मुरीद को यूं महसूस होता है जैसे उसके अंदर का खालीपन भर गया हो,
एक सुकून और इत्मीनान की कैफियत होती है, लेकिन कभी मुलाकात के बाद बहुत ज्यादा एम्प्टीनेस महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों? हम अगर अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो हम सदा एक ही कैफियत में नहीं रहते, एक ही मूड में नहीं रहते, एक ही जज्बे पर हमेशा कायम नहीं रहते। इसमें वेरिएशन आती रहती है। जैसे मैंने अर्ज किया था कि इंसान का ब्लड प्रेशर वो लूनर सिस्टम के तहत बढ़ता और घटता रहता है। इंसान की बॉडी केमिस्ट्री के अंदर चांद के घटने और बढ़ने के साथ चेंजेस आती रहती हैं। जब बॉडी केमिस्ट्री के अंदर चेंज आएगी तो हमारी जहनी कैफियत भी बदलती है, हमारे मूड भी चेंज होते हैं। बात यह मुर्शिद की नहीं है, ये मुरीद की अपनी बात है। जब वो अपने शागिर्द को या अपने उस्ताद के पास जाता है तो उस्ताद के भी अपने मूड स्विंग्स आते हैं, उसकी बॉडी केमिस्ट्री भी चेंज होती है, उसके जज्बे भी कम और ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन वो चूंकि इल्म के खास मकाम तक गया है, उसको काफी कंट्रोल हासिल है अपनी कैफियत पर। अंदर कैफियत कैसी ही क्यों ना चल रही हो, आपके उस्ताद नॉर्मल बिहेव करेंगे और कम से कम कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि शागिर्द अभी उस मकाम को नहीं गया होता, उसके उसकी कैफियत उसको ओवरपावर कर लेती। हमारे यहां जनरली कोई 100 के करीब चैनल हर एक टेलीविजन दिखाता है, रेडियो स्टेशन पूरी दुनिया में अपनी नशरियात जारी रखे हुए होते हैं, लेकिन उन नशरियात को हम सिर्फ उस सूरत में क्लियरली सुन पाते हैं जब हमारा रिसीविंग सेट अच्छा हो और अच्छी हालत में हो, तो दूर दराज के रेडियो स्टेशन हमें उस पर क्लियर सुनाई देते हैं, वरना उस पर डिस्टॉर्शन वगैरह सब आती है। तो जब किसी शागिर्द की बॉडी केमिस्ट्री उस वक्त लोज में है, हाईज एंड लोज आते रहते हैं, तो जब किसी की बॉडी केमिस्ट्री लोज में है तो वो जब अपने उस्ताद के पास जाके बैठता है तो वहां उसको वो एहसास नहीं होता कि मेरे आने से मुझे कुछ हासिल हुआ है। उसको एम्प्टीनेस की फीलिंग आती रहेगी, जिसको इन साहब ने मेंशन किया है। तो वो खुद शागिर्द का ज्यादा उसमें रोल है बनिस्बत उस्ताद के। और किसी वक्त एक मिनट की मुलाकात उस उस्ताद से इंसान को ऐसा एहसास दिलाती है कि जैसे वो भरा गया, पूरी तरह लबालब भर गया है। उसके अपनी कैफियत है, क्योंकि उसका उस्ताद तो गिविंग एंड पर है। जब भी जाके उसके पास बैठेगा तो वो अपनी गुफ्तगू के जरिए इल्म देगा, क्योंकि रूहानियत में जो उस्ताद हैं वो ना तो इल्म इंजेक्ट करते हैं, कि सिरिंज पकड़ी उसको इल्म से भरा और इंजेक्ट कर दिया, ना वो आपको खाने की सूरत में इल्म देते हैं कि ये खा लीजिए, इल्म का एक टुकड़ा है जैसे आपने बर्फी का टुकड़ा खाया। वहां तो इल्म चल रहा होता है, फैलाया जा रहा। जो उस्ताद की गुफ्तगु है वो हमेशा इल्म से मामूर होती है। ये हम पर मुनहसर है कि हम उसकी गुफ्तगु में से, अपने उस्ताद की गुफ्तगु में से उस इल्म के टुकड़ों को किस तरह चुन लेते हैं। आपके उस्ताद की हरकत सबक होती है, ये हम पर मुनहसर है कि हम उस सबक को किस तरह से पिक करते हैं। और न सिर्फ उसे हम पिक करते हैं, उसे गैदर करते हैं और उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या आपने अक्सर बेशतर सुना होगा कि कुछ शागिर्द सबसे बाद में जाते हैं अपने उस्ताद के पास, सबसे ज्यादा इल्म हासिल करके फारिग भी हो जाते हैं, जबकि
पुराने आने वाले शागिर्द दूसरी तरफ बैठे हुए होते हैं, वो उस्ताद का कमाल नहीं है, वो कमाल उस शागिर्द का है कि उसका रिसीवर इतना स्ट्रांग है, उसके अदब आदाब इस तरह के हैं कि वो उस्ताद के दिल में उतर जाता है, उसके मैनर्स, उसके एटिकेट्स, उसका बात करने का तरीका, उसकी सेल्फलेसनेस, उसका खलूस, उसका जज्बा, वो इतना खूबसूरत होता है कि वो उस्ताद के दिल में उतर जाता है। और जिसको अल्लाह ने ये खूबियां अता की हैं, उसका रिसीवर बड़ा स्ट्रांग है, वो इल्म बड़ी तेजी से पिक करता है। तो उस्ताद को, अपने उस्ताद को, अपने गाइड को ये ना समझिए कि वो आपको दे नहीं रहा, ये समझिए कि मैं उनसे ले नहीं रहा। तो जब हम अपने आप को ये यकीन दिला देंगे तो फिर हमें ये शिकायत नहीं रहेगी। बचपन में कहीं एक किस्सा सुना था, उस वक्त शायद मैं क्लास 2 या 3 में पढ़ता हूं ना, तो कहसाली आई थी पाकिस्तान में, पूरी डिटेल्स तो याद नहीं लेकिन इतना मालूम है कि पाकिस्तान में अनाज की बहुत कमी हो गई थी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। तो एक मस्जिद के मौलाना अपने नमाजियों से ये फरमाया कि आज हम नमाज के बाद नमाज इस्तस्का के लिए खुले मैदान में जाएंगे। उन्होंने जाके नमाज पढ़वाई और उसके बाद बारिश के लिए दुआ की, खुद भी की, नमाजियों ने भी दुआ की। और नमाज के बाद मौलाना साहब ने ऐलान किया कि भाइयों, ये 100 रुपए का नोट यहाँ गिरा हुआ मिला है, जिन साहब का हो मुझसे ले लें। तो आधे के करीब नमाजी, अब ये 100 रुपया 1952 का 100 रुपया है, जो आज के मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए के बराबर होगा। तो आधे के करीब नमाजी मौलवी साहब के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और सबका ये क्लेम था कि वो 100 रुपए का नोट उसका है। तो मौलाना ने कहा कि आप सब तशरीफ रखिए, मैं अभी ये नोट जिसका है उसको खुद दे देता हूं। तो जब नमाजी दोबारा बैठ गए तो उन्होंने कहा कि भाइयों, ये नोट किसी का भी नहीं है, ये मैंने अपनी जेब से निकाल के यहां फेंका था। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर हमारी हालत यह है कि हम नमाज के फौरन बाद अपने ईमान को 100 रुपए के लिए बेच रहे हैं तो हमारी दुआओं में असर क्या होगा। मैं भी रूहानियत का बहुत शौकीन हूं, मेरा दिल भी ये चाहता है कि मुझे रूहानियत हासिल हो जाए और मैं सड़क पे जाते हुए लोगों को मुखातिब करके कहूं कि भाई, तुम्हारे दिल में ये है, तुम ये सोच रहे हो, और किसी की चलती हुई कार को रोक दूं, किसी को दरख्त से उल्टा लटका दूं, किसी को फूंक मार के मैं आसमान की तरफ उड़ा दूं और लोग मुझे झुक झुक के सलाम करें, मेरे घुटनों को हाथ लगाएं, बड़ा शौक है मुझे। लेकिन ये सब हो नहीं पाया 68 इयर्स की एज तक भी। तो आप जैसे किसी समझदार आदमी ने मुझे एक बात ये सुझाई कि जनाब सरफराज साहब, ये चीजें अपने आप को मिटा देने से हासिल हुआ करती है। तो आपने तो अपने अंदर बड़े बड़े बुत पाले हुए हैं और अपने अंदर उन पलने वाले बुतों की पूजा करते हैं आप, कहीं अना का बुत है मेरा, कहीं तफाखर का बुत है मेरे अंदर, कहीं मेरे अंदर इल्म की ज्यादती का बुत मैंने पाला है कि मुझसे ज्यादा इल्म कोई नहीं रखता, कहीं मैंने अपने अंदर अच्छाई का बुत पाला है कि मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं, मेरे अंदर अकलमंदी का बुत भी पल रहा है कि मुझसे ज्यादा अकलमंद कोई नहीं। तो जब तक मैं इन बुतों की परस्तिश कर रहा हूं मैं कहीं पहुंच नहीं पाऊंगा। तो जब तक कि ये मेरे अंदर के बुत टूटेंगे नहीं, मैं 10 उस्तादों के पास भी जाके बैठ जाऊं तो ये मुझे कुछ हासिल नहीं करने देंगे। क्योंकि उस्ताद के पास जाके जब इंसान बैठता है तो उस्ताद तो अपने पास आने वाले शागिर्द को निगाहों से तोलता है,
और वो जान लेगा अपने इल्म से कि आने वाले शागिर्द के अंदर क्या क्या बुत हैं, वो उन बुतों को तोड़ने लगेगा। और सबसे ज्यादा स्ट्रांग बुत इंसान में और बिलखसूस हम लोगों में अना का है, और वो भी झूठी अना। तो उस झूठी अना का बुत टूटता ही नहीं जब तक कि उसको गुर्ज न मारे जाए। और वो गुर्ज फिजिकल गुर्ज नहीं है, बल्कि ह्यूमिलिएशन का गुर्ज है वो, कि हर 2 मिनट के बाद अगर शागिर्द पर ह्यूमिलिएशन इन्फ्लिक्ट की जाए तो फिर वो कहीं जाके रफ्ता रफ्ता वो बुत टूटता है। तो ये एम्प्टीनेस का एहसास कभी नहीं होगा अगर हम अपने उस्ताद के पास जाकर, अपने गाइड के पास जाके बैठ के सिर्फ सुने। मैंने शायद कहीं एक बार पहले भी अर्ज किया था कि उस्ताद से इल्म हासिल करने का की नोट सुनना है, बोलना नहीं। तो अगर हम अपने उस्ताद की खिदमत में हाजिर होते हैं, अपने गाइड की खिदमत में, तो उसको सुइयां चुभोइए कि वो बोलने पर मजबूर हो जाए। तो जितना वो बोलेगा और शागिर्द सुनेगा, उतना ही ज्यादा इल्म कलेक्ट करेगा वहां से। और जितना इंसान खुद बोला, शागिर्द खुद बोलता रहा, तो उस्ताद तो बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, वो आराम से बैठ के सुनेगा आपको। नतीजा ये होगा कि कुछ लिए बगैर उठाएंगे हम वहां से। एक और किसी साहब ने नोट भेजा है कि बारगाही इलाही में इल्तिजा, दरखास्त और फरियाद है, हर वो खैर आपका मुकद्दर हो जो अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में रब ताला से तलब फरमाई। हर उस शर से आप महफूज और मामून हों जिससे पनाह के लिए सरवरे कौनैन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाहे रब्बी में मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ मौकों पर इस्तदा फरमाई हो। ये तो किसी सामने दुआ दी, आमीन। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाए मेरे हक में, और अल्लाह ताला आपको जजा अता फरमाए कि आपने मुझ जैसे गुनाहगार और हकीर इंसान के लिए इतनी अच्छी दुआ की है अल्लाह के हुजूर। अल्लाह ताला इसका अजर आपको अता फरमाए। ये में किसी गैर मुल्क से ईमेल के जरिए आया हुआ सवाल है। आई हर्ड इन रन लॉन्ग एगो वन हदीस, मफहूम और मीनिंग ऑफ द हदीस आई अंडरस्टैंड वाज दैट नियर डे ऑफ जजमेंट सम पेरेंट्स विल गो टू हेल बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड सम चिल्ड्रन विल गो टू हेल बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। प्लीज एक्सप्लेन एंड करेक्ट माई अंडरस्टैंडिंग। अनफॉर्चुनेटली ये हदीस मेरी नजर से गुजरी नहीं है। वैसे तो इस्लाम का कानून हो या किसी और इल्हामी मजहब का कानून या फिर सेक्सुअल एंगलिंग लॉ, इसमें कहीं कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि बाप के जुर्म की सजा बेटी को दे दी जाए और बेटी की जुर्म की सजा बाप को जाए। इस्लाम बहुत क्लियर है इस बात में कि हर बालिग शख्स, मैं बालिग अर्ज कर रहा हूं, हर बालिग शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। हाँ, अलबत्ता पेरेंट्स बच्चे के लिए जिम्मेदार हैं उस वक्त तक जब तक के बच्चा होशमंद नहीं हो जाता। उसकी तरबियत करना, उसको दीने इस्लाम की तालीम दिलवाना या देना, और उसके बाले होने तक इस चीज को इंश्योर करना कि वो इस्लाम पर अमल करे जिस हद तक उस बच्चे के लिए मुमकिन है, वो माँ बाप पर फर्ज है। अगर कोई माँ बाप इसमें कोताही करते हैं तो उसकी सजा माँ बाप पर है। वो जवाब दे हैं अल्लाह ताला को अपनी उस कोताही के लिए कि उन्होंने, बच्चा जब उन पर डिपेंडेंट था तो उस वक्त तक उसकी तालीम और तरबियत उस अंदाज में क्यों नहीं की कि वो इल्मे दीन
और दूसरे अलूम पर दस्तरस रखता, उसको इस्लाम की समझ होती कि उसने इस्लाम के तहत जिंदगी कैसे गुजारनी है। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसके सन्ने बलूगत पहुंचने तक 12 साल की उम्र तक उसको इतना पुख्ता कर दें कि वो सारी उम्र फिर इस्लाम के असूलों पर चले। उस एतबार से तो माँ बाप की पुछकिछ हो जाएगी कि वो कोताही उन्होंने क्यों की। लेकिन इस हदीस का जिसका जिक्र इन साहब ने किया है, ये मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि ये कह सकूं कि हदीस ज़ईफ है कवी है। तमाम अकायद और मसलक के लोगों का, तमाम मकताए फिक्र के लोगों का इस पर इत्तफाक है, क्योंकि ये मेरी नजर से गुजरी नहीं और मैं कोई ऐसी बात कहने को तैयार नहीं जिसका इल्म मुझे नहीं। सबसे अच्छा जवाब ये होगा कि मैं साफ कह दूं कि ये मेरे इल्म में नहीं है। एक सवाल है कि जैसे कि आजकल के दौर में पढ़े लिखे लोगों को जॉब भी मिलना मुश्किल हो गया है, रिश्वत और सिफारिश आजकल आम हो गई है क्योंकि इंसानी जरूरियात असबाब के जरिए से पूरी होती हैं, इसमें सिफारिश का कंसेप्ट क्या है और किस हद तक होनी चाहिए? अब ये सिफारिश और रिश्वत इस साल 7 जुलाई को मेरी जॉब के 46 इयर्स पूरे हो गए। इन 46 इयर्स में बहुत सी जॉब्स तब्दील की मैंने, इसमें मल्टीनेशनल्स की भी है जॉब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी काम किया, प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया। 46 इयर्स में अभी तक तो कोई ऐसी जॉब नहीं जो मुझे सिफारिश से मिली हो या जिसके लिए रिश्वत दी हो मैंने। इसी तरह 76 से मैं इंडिपेंडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहा हूं। 76 से लेके आज तक तो मैंने कोई आदमी सिफारिश पर रखा नहीं, और रिश्वत अगर कोई देता तो शायद मैं इनकार ना करता, लेकिन किसी ने दी ही नहीं रिश्वत। ये हमारा एक एहसास है कि सिफारिश के बगैर जॉब नहीं मिलती। गवर्नमेंट की हद तक तो मैं समझ सकता हूं कि वहां शायद सूरत हाल ऐसी हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हमारा वहम है, क्योंकि जो टॉप पर बैठा हुआ है आदमी उसकी अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर उसने सिफारिश पर लोगों को लिया, कि उसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देने हैं अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए, तो वो अपने इंटरेस्ट में उन लोगों को लेगा जिनमें वाकई ही काबिलियत हो। लेकिन ये सब कहने के बाद ये मैं अर्ज कर दूं कि अगर एक शख्स की काबिलियत उस जॉब से जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है उससे ज्यादा है, बंदा ईमानदार है इंटेलेक्चुअली भी और फिजिकली भी, अगर वो दूसरी तमाम शराइत बेहतर तरीके से पूरी करता है जो उस जॉब के लिए है, तो फिर किसी को ये कह देना कि साहब इस आदमी को मैं जाती तौर पर मैंने परखा है और मेरी राय में ये शख्स इस जॉब के लिए बहुत बेहतर है, आपके अदारे के लिए अच्छा साबित होगा, ये सिफारिश तो जायज है। और साथ ही कह दिया जाए कि मैंने इसे परख लिया है सिफारिश करने से पहले, आप इसे अपने स्टैंडर्ड पर खुद परख लीजिए, और अगर आप ये समझें कि आपके मयार से ये ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है तो इसको फिर चांस दे दीजिएगा। ये सिफारिश ऐसी है जो जायज है, लेकिन ये कहना किसी को 19-20 का इसका फर्क है कोई बात नहीं आप इग्नोर कर दें इसे ले लें, वो हकदार का हक मारने के बराबर हो जाएगा। इस हद तक तो सिफारिश गायब हो जाएगी। दूसरा सवाल नीन साहब का है कि अपनी जाती जरूरियात के खातिर दूसरों का हक मारने से क्या मुराद है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं?
ये फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी फहरिस्त को ना आप याद रख पाएंगे ना मैं बयान कर पाऊंगा। बात यह है कि जब हम अपने जाती मफाद को दूसरों के मफाद पर तरजीह देने लगे तो उसमें बड़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि हम दूसरों का हक मारने लगेंगे। तो सबसे मोहतात रवैया ये है कि दूसरों के हक को अपने हक पर फाइक समझिए। अगर मैं आपके हक को अपने हक पर तरजीह देने लगूं तो वो जो एक एहतमाल मौजूद है कि मैं बहसियत इंसान की ये मेरी टेंडेंसी होगी कि मैं दूसरों के हक को मार लूं और अपना काम चला लूं, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती। अगर मैं कतार में खड़ा हूं, मेरा नंबर आ रहा है, वो मेरा हक है कि मैं अपने नंबर पर अपना काम करा लूं। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि एक साथ बहुत बेचैन है और मेरा अंदाजा ये है कि इनको जल्दी है, तो मैं उनको जाके कहूं कि साहब मेरा ख्याल है शायद आप जल्दी में है, मेरा नंबर बस आया ही चाहता है, आप यहां मेरे नंबर पर खड़े हो जाइए, आपके नंबर पर मैं खड़ा हो जाता हूं, तो मैं बच गया किसी का हक मारने से। और अगर अपनी बेचैनी के नतीजे में मैं शोर मचाने लगा विंडो पर जाके पहले मेरा काम कर दीजिए, तो दूसरों के हक मार लिए मैंने, तो बेहतर यह है कि इस इस्तेमाल को खत्म कर दें कि कहीं किसी की हक तलफी ना हो रही हो हमारे हक से। दूसरों के मफाद को दूसरों के हक अपने मफाद और अपने हक पर तरजीह दे दीजिए, दूसरों की ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दे दीजिए, दूसरों के आराम को अपने आराम पर तरजीह दे दीजिए, हक तलफी से हम बच जाएंगे। एक और दूसरा सवाल का है कि आपने एक लेक्चर में कहा कि रफ़ यदैन मुनाफिकों की वजह से शुरू हुआ, लेकिन आपने इसकी ताईद में कोई हदीस बयान नहीं की। इसके बरक्स बाज़ उलमाए कराम की राय में रफ़ यदैन रब ताला की किब्रियाई की तरबियत देने के लिए शुरू हुआ था। मुनाफिकीन के अमल का इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मक्का के मुशरिकीन बुतप्रस्त थे, ताकतवर और बासर थे, लेकिन मुनाफिक नहीं थे। मदीने के बाद यहूदी मुनाफिक थे लेकिन बुत प्रस्त नहीं थे। इस तरह मुनाफिकीन का मस्जिद में बुत लाना और उसकी वजह से रफ़ यदैन का शुरू होना किसी तरह साबित नहीं। मुनाफिकीन से मुतालिक रफ़ यदैन के बारे में अगर कोई हदीस रवायत है तो अज़राए करम इससे आगाह कर दीजिए। तब हदीस नहीं है जिस मौजू पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसे के लिए खुद भी रफ़ यदैन फरमाया है और आपके मुक्तदी जो उन्होंने भी आपकी इमामत में इस पे अमल फरमाया है। मैंने मुनाफिकीन का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया। मैंने ये जरूर अर्ज किया था कि अहले कुरैश ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो उनकी जो कई नस्लों से वाबस्तगी चली आ रही थी बुतों से, वो उसे छोड़ने पर तैयार नहीं हो रहे थे। और किसी स्टेज पर एक बात ये नोटिस हो गई कि नॉन मुस्लिम, मैं मुनाफिक नहीं कह रहा, नॉन मुस्लिम अर्ज कर रहा, वो बहुत छोटे साइज के बुत बगलों में छुपा लाते हैं। इस एक खदशे को, इस संदेश को खत्म करने के लिए एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रफ़ यदैन किया है और आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने वालों ने भी रफ़ यदैन किया है। मकसद ये था कि अगर पुराने अकायद ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा, एसोसिएशन है, तो वो बुत रफ़ यदैन करते हुए उनके बगलों से गिर जाए और वो बुतों के साथ प्यार से दूर चले जाए। मुनाफिकीन का लफ्ज कभी भी इस्तेमाल नहीं करता मैं, इसलिए कि किसी को बुरा कहने के लिए
मेरे लिए अच्छा होना बड़ा जरूरी है और अच्छाई मेरे करीब से भी नहीं कहीं गुजरी। तो जिस इंसान को सभी लोग अपने से ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं वो उनके लिए कभी मुनाफिकीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा। थोड़ा सा आपको समझने में गलतफहमी हो गई, अगर आप उस बातचीत के उस हिस्से को देखेंगे तो उसमें लफ्ज मुनाफिकीन नहीं है। इस सब्जेक्ट से हट के अगर हम मुनाफिकीन की बात करें तो मुनाफिकीन की एक कौम मुसलमानों में पैदा हुई थी इतने दिनों, और ये तारीखी हकीकत है। इसमें कुछ फ्रोई चीजें आ जाएंगी वरना मैं उसको अर्ज कर देता कि मुनाफिकीन किस किस मौके पर पैदा हुए। खुद हजरत अली करम अल्लाह वजहू ने इनके खिलाफ जहाद किया है, चाहे वो जुबानी हो या तलवार का हो। इंशाअल्लाह ताला अगली इस बार बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है आपसे। अस्सलाम वालेकुम।